आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है। जबलपुर में रहने वाले फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर सहित कई फिल्मों में अभिनय करने वाले विकास पांडे ने शहर के कलाकारों के साथ 4 घंटे 32 मिनट की एक फिल्म द कन्फ्यूजन को तैयार किया है। इस फिल्म में विकास पांडे ने निर्देशन के साथ साथ अभिनय भी किया है। इस वेब सीरीज में मुख्य भूमिका विकास पांडे, वैशाली, अदिति और आचमन पांडे ने निभाई है। दिखाया जाता है सास बहू के झगड़े, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें मैंने आपको बताया कि एक जैसे महिला है जो कि मीडियम क्लास परिवार में होती है कि हस्बैंड बाहर है मगर वो पति के साथ भी खुश हैं और अपने परिवार को लेके चलती हैं, और एक दूसरी महिला है जो कि आसपास के पड़ोस से प्रभावित होती है कि उनके यहाँ कुछ चीज़ आई है, उनके अच्छा हुआ और उसके कारण उनके परिवार में दिक्कतें होती हैं, और फिर एंड में उनको समझ में आता है कि उनका फैमिली ही उनके साथ सपोर्ट में खड़ा रहता है। हाँ सर, बहुत कठिनाई हमको, जब हमने ये स्टार्ट किया था द कन्फ्यूज़न, तो हमारे जो DOP थे अरुण शर्मा जी, उनका डेथ हो गया था शूट के 10वें दिन। फिर उसके बाद भेड़ाघाट में हमारे कैमरे भी डूब गए थे, तो मतलब हमारी टीम ने हिम्मत नहीं हारी और सबने मिलके काम किया, और आज सबके कठिन परिश्रम से आज हम ये 4 घंटे 32 मिनट की लगभग, जो कि 2 फिल्मों के बराबर होता है, हम ये कर पाए और ये हंगामा OTT में रिलीज हो रही है। विकास पांडे इससे पहले भी कई प्रोडक्शन हाउस को जबलपुर ला चुके हैं। इनमें पहले यशराज बैनर की फिल्म सुई धागा, राजकुमार संतोषी, प्रकाश झा की गंगाजल सहित कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। अभी सोनी लीव की फिल्म, जिसकी पूरी शूटिंग संस्कारधानी जबलपुर में शूट हुई है, इसके साथ ही साले आशिक इसमें एक्टिंग भी की है। पहले किया है, मैंने यशराज बैनर में भी काम किया है, प्रकाश झा के साथ भी काम किया है, अभी हॉटस्टार की सीरीज भी की है, साउथ की एक फिल्म है विद्यारण, उसमें भी किया है, अभी हाल ही में राजकुमार संतोषी जी की फिल्म में किया। मगर मेरा उद्देश्य था कि मैं शहर में बड़े प्रोडक्शन हाउस को लाऊं, तो ये प्रयास मेरा चलता रहता है क्योंकि हमारे यहाँ की जो लोकेशंस हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, तो मेरा ये प्रयास था कि इस फिल्म से वो लोकेशंस पूरे सबके सामने आए और भी लोग यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस आए और हमारे लोगों को काम दें। जबलपुर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान विकास पांडे ने अपनी फिल्म का पोस्टर लॉन्च करते हुए बताया कि द कन्फ्यूजन फिल्म एक फैमिली ड्रामा है जो समाज में एक अच्छा संदेश देगी और जिसे देश के दर्शक खूब पसंद करेंगे। सर देखिए, इसमें जैसे कि फैमिली ड्रामा है तो आमतौर पर हमारे लाइफ में मतलब सभी उलझे पड़े हुए रहते हैं, मेरे पास ये चीज़ें हैं ये नहीं है, कभी किसी के पार्टनर को लेके कंपेयर करते हैं, कभी खुद की लाइफ में, तो इस तरह से हमारे आमतौर हमारी ज़िंदगी को दिखाया गया है। सो बेसिक इसमें ये है कि अगर हम दूसरों को ही देखते रहेंगे तो फिर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ती रहेंगी। जैसे कि मेरा जो इसमें कैरेक्टर है वो ये है कि हाउसवाइफ, मतलब घर को भी संभालती है और काम भी करती है, और उसका हस्बैंड भी बाहर रहता है, फिर भी वो अपने फैमिली को अच्छे से संभाल पाती है। वहीं दूसरा साइड दिखाया गया कि हस्बैंड भी साथ रहते हैं, पैसे भी है, लेकिन फिर भी उनकी जो चाह है कि मुझे और चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, वो ख़त्म नहीं हो रही है, और इस चक्कर में क्या हो जा रहा है, उनके बीच में प्रॉब्लम हो जा रही है क्योंकि वो कमी ढूंढ रहे हैं, कभी पार्टनर में ढूंढ रहे हैं, कभी मेरे पास ये नहीं है, सो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसमें ये है कि आपके पास जो है, आपके पास जो फैमिली है उसमें खुश रहिए। काफ़ी उत्साह रहा है एक्चुअली। मैंने पहले 2 बार विकास सर के साथ काम भी किया है और सेम वही एक्साइटमेंट का लेवल था, एक जोश था, टीम ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे एक्टिंग स्किल्स को भी काफ़ी इम्प्रूव किया, मैं नया नया आया था इस रोल के लिए। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट जबलपुर। नए वीडियोस एवं ताजी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।